हिसार में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सीएम खट्टर ने की घोषणा, शहर के विकास के लिए 6 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा। हरियाणा सरकार करीब 30,000 कर्मचारियों के तबादले की तैयारी में। कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ का बयान, व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए जा रहे हैं तबादले। हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा पहुंची जांच टीम, डेरे की कराई गई वीडियोग्राफी। हरियाणा में 2 ओलंपिक संघों के मामले में पीवी राठी को हाईकोर्ट से नोटिस, कल दाखिल करना होगा जवाब। कलानौर में एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में हेड कांस्टेबल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मंडी डबवाली में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। और करनाल में बड़ा हादसा, होते होते टला रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा, सेमेस्टर और गुणवत्ता की। दरअसल शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा, या सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसको सुधारने के लिए और क्या कुछ करना होगा सरकार को, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत कुछ करने की जरूरत है और शिक्षा मंत्री जो कुछ बोल रहे हैं, क्या वाकई में ही सरकार उस पर गंभीर है? सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बोलते हुए क्या कुछ कहा वो आप सुन लीजिए। सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर एक बहस चल रही है और 365 दिन में से 200 दिन मुश्किल से बच्चों को स्कूल में जाना होता है और उसमें से सेमेस्टर 3 बार सेमेस्टर सिस्टम में अध्यापक बच्चों की पढ़ाई, तो एक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन होने जा रहा है और एक बड़ी बैठक हम करने वाले हैं सारे शिक्षाविदों के साथ बैठ करके, और ये मंत्रणा हम करने जा रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा के बारे में भी रामविलास शर्मा बोले क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। राजकीय विद्यालय है जो सरकारी स्कूल है, वो उसमें गरीब का बच्चा आता है और एक धारणा पिछले 10 सालों में ये हो गई कि भाई सरकार ने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया जी, गरीब आदमी के लिए शिक्षा महंगी हो गई। सेमेस्टर सिस्टम को खत्म करने के बारे में जब संवाददाता ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो क्या जवाब मिला वो भी आपको सुनाते हैं। मान कर चलें कि इस जो नया सेशन होगा उसमें से सेमेस्टर सिस्टम समाप्त होकर और एजुकेशन प्रणाली जो है वो सब देखिए, जैसे विद्वानों के शिक्षाविदों के जैसे इस पर विचार विमर्श आएगा, सब तरह के गुरुकुल प्रणाली के, संस्कृत के, हिंदी के, विज्ञान के, सब तरह के जो शिक्षाविद हैं उनको बना करके हम एक बहुत कारगर शिक्षा सलाहकार समिति बना करके उसका पूरे दिन का एक मंत्रणा करेंगे, उसमें ये सारे विषय आएंगे। वहीं आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि गीता को 5वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गीता भारत का गीत है, भारत की रीत है, भारत की प्रीत है। गीता की धरती पर मैं खड़ा हूं, हरियाणा में शिक्षा विभाग में गीता को प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक अपने पाठ्यक्रम में हम शामिल करेंगे। तो क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने वो आपने सुना। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बोल रहे थे, सरकारी स्कूलों के बारे में बोल रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बोल रहे थे और आज उन्होंने कहा कि गीता को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा प्राइमरी से लेकर और सेकेंडरी तक, गीता को भी शामिल किया जाएगा।
तो शिक्षा मंत्री ने एक तरीके से चिंता जाहिर की है, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का हाल है सरकारी स्कूलों में, और क्या क्या सुधार किए जाएंगे। एक कमेटी बनाई गई है, शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो शिक्षाविद हैं, जो जानकार हैं शिक्षा के बारे में, वो सब विचार देंगे, उसके बाद विचार किया जाएगा कि क्या कुछ परिवर्तन करना है ताकि शिक्षा का स्तर अच्छा हो सरकारी स्कूलों में भी। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है या जो रिजल्ट आता है, वो सभी आप सभी जानते हैं किस तरीके का रिजल्ट आता है और कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में। और शिक्षा मंत्री ने खुद जैसे कि कहा कि 365 दिनों में करीब 200 दिन ही स्कूल लगता है, और उन 200 दिनों में सेमेस्टर सिस्टम कितना कारगर है इस पर विचार किया जा रहा है, और बदलने की जरूरत हुई तो इसको बदला भी जाएगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है, और सरकार कितनी गंभीर है, और सरकार को और क्या कुछ करना होगा। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं करण सिंह जी हैं मेरे साथ, जो कि रिटायर्ड डिप्टी डीओ हैं, मेरे साथ कुलभूषण शर्मा जी हैं अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा जी। जो बयान आया है, हमने 3 और 4 बाइटें आज सुनी है शिक्षा मंत्री की, शिक्षा को लेकर थोड़ा सा गंभीर दिखाई दे रहे हैं और चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले काफी समय से शिक्षा का जो स्तर गिरा है उसको लेकर अब विचार किया जा रहा है और बहुत कुछ बदला भी जा सकता है, किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ही हम माने कि शिक्षा मंत्री और सरकार गंभीर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठाया जाए? देखिए, जिस 10 साल की बात है रामलाल शर्मा जी कर रहे हैं, वो 10 साल हुड्डा सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं जी। हुड्डा सरकार के अगर फैसले देखें, वो बातचीत में, सब राजनीतिक रैलियों में, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में, वो हमेशा ये कहते थे कि हरियाणा को मैं शिक्षा का हब बनाना चाहता हूँ जी, और इसके लिए राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी वो बना रहे हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, स्कूल खोले हैं, मतलब वो सारी बातें विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कही, बाहर भी कही जी। लेकिन मैं शिक्षा के स्तर की जो आज रामलाल शर्मा जी ने बात की, इस पर हम पहले भी कई बार बातचीत करते रहे, आज फिर एक जो विषय आया है वो आया है सेमेस्टर सिस्टम का। बिल्कुल, हरियाणा के स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम पहली दफा लागू हुआ था तो वो हुआ था हुड्डा सरकार के टाइम में जी। और क्योंकि ये फैसला राज्य सरकार का करना होता है कि किस प्रकार की वो शिक्षा प्रणाली देना चाहते हैं, किस प्रकार की शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कदम था सेमेस्टर सिस्टम लागू करना। बिल्कुल, हालांकि जिस दिन जब ये सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था, तभी से इसके टीचर जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, और चाहे उनके संगठन हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं जी। तकरीबन सारे 100% ना हो तो 90% के आसपास में कह सकता हूँ। इसके जब हमने इसको प्रैक्टिकल रूप देखा, इसका कि इसका विरोध करने के उनके कोई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आज पत्रकार देखा कि 2 साल में पहले एक बार पेपर होते थे जी, जिसकी मार्किंग भी एक बार होती थी, और जब मार्किंग होती थी उस दौरान पेपरों के बाद स्कूलों में छुट्टियां तकरीबन हो जाती थी जी, 15-20 दिन की छुट्टियां होती थी। अब क्या हो रहा है, अब हर 6 महीने के बाद पेपर होते हैं, पूरे सब सिलेबस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जो जैसे 27,000 बच्चे तकरीबन हरियाणा के स्कूलों में हैं, पहली से 12वीं तक के बच्चों के, इतने बच्चों के पेपर 2 बार होने हैं। अगर पहले 27 का अगर हम 5 से गुना करें कि 5 सब्जेक्ट को एवरेज लिया जाए, तो पहले 27 लाख से 1,35,00,000 के आसपास जो मार्किंग से जो आंसर शीट उत्तर पुस्तकें थी उनको चेक करना था। ओके, अब 2,70,00,000 होगी। 2 बार टीचर्स को अपने स्कूल से वो बैठ करते तो अपने स्कूल में मार्किंग, लेकिन उस दौरान पढ़ाई नहीं होती। 2013-14 का मेरे पास जो आंकड़ा है कि कितने दिन वर्किंग डेज रहे स्कूलों के, वर्किंग डेज जी वो 230 आए हैं जी। 230 में वो मार्किंग टाइम भी इसमें शामिल है, वो पेपर भी इसमें शामिल है 1 महीने की, और 20-25 दिन का वो भी निकाल दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो 70 दिन के आसपास अगर इसको निकाल दिया जाए 230 में से, 160 दिन के आसपास टोटल पढ़ाई हुई है। ये वो कार्यकाल है जिसमें 365 में से 160 या 165 दिन के आसपास पढ़ाई हो रही है, 200 दिन हमारे बेकार चले गए। बिल्कुल, जब पढ़ेंगे नहीं
पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों का शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार कैसे होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। एक आंकड़ा और दूंगा, 2007-08 में, 2006-07 से ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था, मेरे पास जो डाटा है वो 2007-08 से डाटा है रिजल्ट का। ओके। हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड रिजल्ट देता है, पेपर लेता है, रिजल्ट डिक्लेयर करना उसका काम है। 2007-08 में जहां दसवीं का रिजल्ट था 79.94 था, वो 2013-14 में जो पिछले साल गया है उसमें घटके 49.20 रह गया, 49.20। ओके। ये इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि हम कहां जा रहे हैं, और हर साल ये नीचे घटता चला गया। ओके। 5-4% नीचे घटता चला गया। ओके ओके। बारहवीं का जो सेकेंडरी का जो रिजल्ट था उसका भी वो 75.3 था, फिर उसके अगले साल जो है 2008-09 में 90% पहुंच गया, उससे फिर 92% पहुंच गया, और घटते फिर एकदम से 72 पे रह गया। तो ये आंकड़े बताने इसलिए जरूरी है, बाकी हमारे पैनलिस्ट बताएंगे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। पर एक मुख्य कारण यह है कि सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई का वक्त कम रह गया। तो बिल्कुल यहां पर संकेत दिए शिक्षा मंत्री ने कि सेमेस्टर सिस्टम को शायद खत्म कर सकती है सरकार, जिस तरीके की उन्होंने बयान दिया है। करण सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। करण सिंह, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप विभाग में थे क्या उस समय सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ या आपके बाद में हुआ, और मैं जानना चाहता हूं सेमेस्टर सिस्टम से पहले की पढ़ाई शिक्षा का स्तर और उसके बाद का स्तर, क्या वाकई में सेमेस्टर सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए? जो पढ़ाई का स्तर है ना वो सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है जी, वो सुपरविजन से रिलेटेड है जी। हमारे यहाँ हरियाणा में सबसे जो बुरी बात है शिक्षा की के कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी अफसर की भी, चाहे वो डीओ है, चाहे डिप्टी डीओ है, चाहे बीओ है जी। कोई आदमी प्रमोशन करके पोस्टिंग ले लेते हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड आज भी चेक कर लो, कोई किसी क्लास स्कूल में जाकर के कहीं कोई चेकिंग नहीं करता। ओके। और ना उनके ऊपर कोई पूछता है भाई तुमने कितनी चेकिंग की है, कितने स्कूलों में जाकर के चेकिंग की है। जहां तक छुट्टियों की और सेमेस्टर सिस्टम की बात है, हमारे 42 छुट्टियां तो होती हैं गर्मियों की जी, और मिलाकर के टोटल 15-16 और मिलाकर के टोटल साल में 60 छुट्टियां होती हैं जी। तो ये 60 छुट्टियां जो होती हैं, इन 60 छुट्टियों को छोड़कर बाकी सारा साल स्कूल में पढ़ाई ही होती है, तो उसका सुपरविजन ठीक हो जाए। और आजकल तो CBSE ने भी सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, लेकिन उसने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया कि जो बच्चे जैसे मैट्रिक का एग्जाम है वो और दूसरा है, उन्हीं के स्कूल के टीचर पे जो स्कूल 12वीं के स्कूल है उनके टीचर ही वो पेपर मार्क कर देंगे, पेपर ऊपर से CBSE वाले भेज देंगे। हरियाणा बोर्ड भी ऐसे करता है कि 12वीं कर सकता है, 12वीं के स्कूल को सेंटर बना दे और वही टीचर उनके पेपर मार्क कर दे, वो वही ले लें। इससे सेमेस्टर सिस्टम इज ए गुड सिस्टम, सारी दुनिया में है ये। नहीं नहीं, जिस तरीके से धीमान साहब कह रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में जैसे दो बार पेपर होंगे, हाँ तो मार्किंग में कितना समय लगेगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी जितने दिन मार्किंग होगी? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। पहले भी एक किस्म का सेमेस्टर सिस्टम था, सितंबर टेस्ट होता था पहले, जब आप हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, हम सितंबर में भी टेस्ट देते थे, दिसंबर में भी टेस्ट देते थे, फाइनल टेस्ट होता था मार्च में। नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी होती थी। नहीं, अब क्या है कि अब वो जो सितंबर वाला टेस्ट है, वो सितंबर वाला टेस्ट टाइम तो उस फॉर्मेलिटी में भी उतना ही टाइम लगता था और अभी भी इतना ही टाइम लगता है, उसमें कोई टाइम की बर्बादी नहीं है, कोई टाइम ज्यादा नहीं। सिर्फ हाँ, मार्किंग में मैं मानता हूँ कि मार्किंग में स्टाफ चला जाता है, उसका इलाज जो CBSE ने कर दिया हरियाणा बोर्ड कर दो। हरियाणा बोर्ड क्या करे, 12वीं के स्कूलों में ऑप्ट कर दे, जिन बच्चों ने बोर्ड का पेपर देना है या अपने स्कूल से ही पेपर देना, जिस तरह CBSE ने कर दिया, सिर्फ 12वीं का पब्लिक एग्जामिनेशन हो जाए, 10वीं का एग्जाम उसी स्कूल में ले, उसी के टीचर मार्क कर दे, पेपर ऊपर से आ जाए। चलिए इस पर भी चर्चा है, करण सिंह जी इस पर भी चर्चा करेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम कितना कामयाब है और शिक्षक स्तर क्यों गिर रहा जिस तरीके से आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी, हाँ, यस, कोई अफसर नहीं जाता चेकिंग करने के लिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा सरकारी स्कूलों में। यस, और हमने परफॉर्मा एक डिपार्टमेंट का, जब मैं यहाँ डिप्टी डीओ था 2008-09 में, एक डिपार्टमेंट से मिलकर के
मिस्टर अशोक यादव हमारे डीपीआई थे, जब हमने एक परफॉर्मा डेवलप किया था इंस्पेक्शन का, प्रिंसिपल के लिए अलग डिप्लोमा था, डिप्टी डीओ का अलग परफॉर्मा था, हर एक प्रिंसिपल को भी ये जब होना चाहिए कि वो महीने में कम से कम भी 12 से 15 क्लासेस वो चेक करे परफॉर्मे वर्कर के, हर एक क्लास में जाकर के 15 से 20 बार चेकिंग करेगा बिल्कुल, और इसी तरह बीओ को होना चाहिए तूने इतने करके देने ही पड़ेंगे चेक बिल्कुल। तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी प्राइवेट स्कूलों में हमारे में क्या फर्क है? बिल्कुल। प्राइवेट स्कूलों में हर एक अकाउंटेबिलिटी है। वही पता कर लेते हैं, हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष बैठे हैं, इनसे पता कर लेते हैं। कुलभूषण जी आपके पास आता हूँ। कुलभूषण जी, तकरीबन जो सरकारी स्कूल के अध्यापक होते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट के मुकाबले, लेकिन फिर भी रिजल्ट खराब आता है। यही जानना चाहते हैं क्या जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी सेमेस्टर सिस्टम है या किस तरीके से पेपर लिए जाते हैं, फिर वहां अच्छा रिजल्ट क्यों आता है सरकारी स्कूलों के मुकाबले? ऐसे है, पहले तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, आपकी बात ठीक है कि प्राइवेट स्कूल्स का रिजल्ट क्यों आता है और सेमेस्टर का इसमें क्या रोल है। सेमेस्टर प्रणाली जो आई थी ये बच्चों का तनाव कम करने के लिए आई थी, तनाव मुक्त प्रणाली देने के लिए, लेकिन इसका उल्टा परिणाम ये हुआ कि दो बार बच्चों को एग्जाम में डालना पड़ा, जैसे दुमान साहब ने कहा। तो बच्चों को जो एग्जाम है इसका एक डर ही बहुत बड़ी चीज होती है। सिकंदर भी कहता था, हे भगवान मुझे इम्तिहान में मत डाल, तो मासूम बच्चों को दो बार इम्तिहान में डाल दिया गया, सिलेबस भी कम कर दिया गया, चाहे कुछ भी है, लेकिन इम्तिहान उनको दो बार जब देने पड़े तो उससे उन पर एक तनाव भी बढ़ा। दूसरा, जैसे दीवान साहब ने बताया कि शिक्षा पढ़ाने के दिन भी जो है इससे कम हुए, क्योंकि चेकिंग और उन चीजों में टाइम वेस्ट हुआ। जहां पर जो बात आ रही है, अभी इन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी, आपने कहा प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, इन्होंने कहा कि वे डीओज या बीओज को चेक करना चाहिए। मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूं और मैं बताना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स में कोई डीओ बीओ चेक करने नहीं आते जी, ना उनके ऊपर किसी, जो सीबीएसई के स्कूल है कोई शिक्षा मंत्री की कोई गाज है उनके ऊपर। लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि ना वहां पे मिड डे मील है, ना वहां पर डीओ बीओ के रोज चार्ट जाते हैं, ना वहां उनके टीचर्स की जो है जनगणना में ड्यूटी लगती है, ना वोटिंग में ड्यूटी लगती है, वो कंसंट्रेटेड होते हैं पढ़ाई के ऊपर। चेकिंग करने से कुछ स्कूल अच्छे नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी तो ऑटोमेटिक रिजल्ट्स जो है पेरेंट्स उनको अपने आप चेक कर लेते हैं, रिजल्ट्स उनका अपने आप पैमाना जो है बता देते हैं। तो चेक करने से अगर वहां पर डीओ बीओ जाएंगे तो वहां पर एक और इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। शिक्षा में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, टीचर को इंडिपेंडेंट उसको और टाइम देना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। जैसे दीमान साहब ने कहा कि पहले तो चेकिंग और उसमें फंस गए, फिर वो जनगणना में फंस गए, मिड डे मील में फंस गए, तो वहां पर भी उनकी पढ़ाई जो है इफेक्ट करती है। और सेमेस्टर अगर ये चलता रहा तो गवर्नमेंट स्कूल्स पे इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये प्रणाली बदलनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, उसके अच्छे परिणाम आएंगे, उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं अगर सेमेस्टर सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि बच्चों को डर होता है पहले साल में एक बार पेपर होने होते थे उसका प्रेशर, और अब दो बार अगर पेपर होते हैं तो प्रेशर तनाव होता है। दीमान साहब आप ही के पास आ जाते हैं जी। दीमान साहब, अलग अलग राय है कि सेमेस्टर होना चाहिए जिस तरीके से सीबीएसई ने भी ऐसा है, लेकिन वहां अच्छा रिजल्ट आता है। अकाउंटेबिलिटी की बात की है करण सिंह ने, वही जानना चाहते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी सरकारी टीचर, जो सरकारी अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग में, वो जिम्मेदारी से बचते क्यों है या जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं करते? ये जो सेमेस्टर सिस्टम की आपने बात की है, जो हमारे शिक्षा मंत्री उनका जो बयान आपने सुनाया है उसमें भी यही कह रहे हैं कि इस पे सेमेस्टर सिस्टम पे अलग अलग राय है और ये चर्चा इस पे हो रही है। इस पे समीक्षा की बात की उन्होंने की है, इस पे दो अलग अलग राय हैं लोगों की, तभी तो इस पे चर्चा की बात हो रही है, तभी तो ये सरकार सोच रही है कि इसको सेमेस्टर सिस्टम को बंद कर दिया जाए। सेमेस्टर सिस्टम के कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग खिलाफ है। वास्तविकता ये है कि जो पहले, अगर सेमेस्टर सिस्टम से पहले का जो सिस्टम है, जो कर्ण सिंह जी कह रहे हैं, पहले भी 6 माही 9 माही पेपर लिए जाते थे, उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होता था। वो सिस्टम को बदल के रिप्लेस करके सेमेस्टर सिस्टम लागू किया, इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बीच में आ गया। विद्यालय शिक्षा बोर्ड पेपर लेता है 10वीं और 12वीं के, पेपर मार्किंग उन्होंने करवानी है, टीचर्स को मार्किंग के लिए जाना पड़ेगा, और जो मार्किंग का टाइम का वो पढ़ाई नहीं करवाते, उससे पहले जो पेपर का टाइम है दो बार का, वो टाइम उसका खराब हो गया। पहले उसको एक ही बार टाइम देना पड़ता था। तीसरा बिंदु, खाली हम आज सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम खाली और जो इसके साथ जुड़ी बातें हैं कि शिक्षा का स्तर क्यों गिरा, उसके साथ और भी बातें हैं, खाली सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, सेमेस्टर सिस्टम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ और भी है। जैसे आप स्कूल, सरकारी स्कूल की आप बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में
पांच टीचर्स की बजाय अगर दो टीचर होंगे और तीन टीचर नहीं होंगे, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ जाएगा? आप चाहे सेमेस्टर सिस्टम भी लागू कर लो, एक जिस सब्जेक्ट का टीचर वहां पर नहीं होगा उस सब्जेक्ट में बच्चे फेल होंगे, कहां से पढ़ाई करेंगे? आज की डेट में मैं आपको एक ताजा आंकड़ा, आज का ताजा आंकड़ा देता हूं, इस वक्त प्रदेश में 30,000 टीचर्स की कमी है। ओके, इस वक्त जी 1,25,000 टीचर्स में से 30,000 की कमी है। ओके, और इसमें अगर हम प्राइमरी की साइड में देखें तो प्राइमरी की साइड में 17,000 के आसपास और 13,000 है सीनियर सेकेंडरी में जो लेक्चरर होते हैं। ये वो पद हैं जिनमें गेस्ट टीचर्स अभी हमने काउंट नहीं किया, 15,000 गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। अगर 15,000 गेस्ट टीचर्स इसमें जोड़ दिया जाए तो 45,000 की वैकेंसी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने टीचर जब स्कूल में नहीं होंगे शिक्षा का गुणवत्ता कैसे क्या खाक सुधार होगा? तीसरा बिंदु, बिल्कुल आपके पास आएंगे आएंगे आपके पास। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि स्कूली शिक्षा, सेमेस्टर और गुणवत्ता, मतलब यहां पर ओवरऑल हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिरा हुआ है। दिमाग साहब आप कुछ आंकड़े बता रहे थे, यहां आंकड़े बहुत जरूरी हैं। 30,000 टीचरों की कमी है अभी भी सरकारी स्कूलों में, और क्या कुछ दिमाग साहब? मैं बता रहा कि 30,000 के साथ साथ अगर 15,000 गेस्ट टीचर भी जोड़ दिए जाए तो 45,000 के टीचर्स की कमी है जी। करीब 1,25,000 टोटल पद हैं टीचर्स के। ओके, इसमें से अगर इतने टीचर्स नहीं होंगे शिक्षा की गुणवत्ता कहां सुधरेगी? हाँ। जहां तक है सेमेस्टर सिस्टम की बात, वो मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो दो बार के पेपर देने से, पेपर मार्किंग से वो टाइम बच्चों का पढ़ाई का कम रह गया। हाँ। टीचर भी नहीं हुए, बच्चों की पढ़ाई का टाइम भी कम रह गया, और बर्डन खाली टीचर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर टीचर्स के ऊपर ही पड़ी है। टीचर्स आपने देखो का आंदोलन करने शुरू कर दिया कि हम मार्किंग नहीं करेंगे, वो अपनी और डिमांड्स हैं, उनकी अपनी अलग से समस्याएं हैं। हाँ। वो भी उसका एक पार्ट है, यूनियनबाजी भी उसका एक पार्ट है कि भी उनको इकट्ठे होकर अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, उसमें पढ़ाई का असर पड़ता है। हाँ। तीसरा एक और जो बिंदु है कि सरकार बार बार प्रयोग क्यों करती है, जब जब शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव या मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जैसा अवसर वैसी नीति जी। बिल्कुल, ये मैं पिछले 2005 से अब तक 2014 तक मैं बता सकता हूँ कि जैसा जैसा अवसर आया वैसी वैसी नीति लागू होती चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार एजु सेट लगा दिए, 125 करोड़ के आसपास उनकी कीमत आई है एजु सेट की। हाँ हाँ बिल्कुल, और उस एजु सेट में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सिवाय जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है साइंस वाले, जिसमें दोनों रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, बच्चे भी पूछ सकते हैं सवाल और उधर से टीचर भी बता सकता है, उनको छोड़ के या कॉलेजेस को छोड़ के। दूसरा जो एक आई है मॉनिटरिंग की बात, ये बीओज और बीडब्ल्यूओज जो है वो मॉनिटरिंग नहीं करते। ओके, मॉनिटरिंग कर ले चले जाएं कोई बात नहीं, उनको टास्क दे रखा है, बहुत सारी बातें तो सरकार या डायरेक्टरेट कागजों में रह जाती है, उनकी बातें प्रैक्टिकली नहीं हो जाती। कागजों में यहां से बोलते हैं कि हर स्कूल जो है कोई अफसर जो है डीओ वो 7 से 8 या 10 स्कूल महीने में चेक करेगा, बीओ है वो महीने में 5, 7, 10, 15, 20, 25 करेगा, मतलब जैसे जैसे निचला अधिकारी होता है वो ज्यादा ज्यादा स्कूल अपने लेवल पे करता है। बिल्कुल, ऐसे तो डीसी को भी मुख्यमंत्री ने हुड्डा ने कहा था कि वो गांव में 2 रात गुजारे, डीसी कितने डीसी ने गुजारी बात। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बहुत सारी बातें कागजों में रहती, प्रैक्टिकल बात तो यही है कि सेमेस्टर सिस्टम से नुकसान हुआ है एजुकेशन का, इसलिए इसमें पुनर्विचार किया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर अफसर के हिसाब से शिक्षा नीति भी बदलती रही है। दिमाग साहब कह रहे हैं कि इतना महंगा एजुकेशन सिस्टम भी लगाया गया लेकिन कबाड़ बनकर रह गया। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि अध्यक्ष हैं राजकीय अध्यापक संघ के, ये बेहतर बता पाएंगे। कुलभूषण जी आपके पास आते हैं, सेमेस्टर सिस्टम जब सरकार ने लगाया कुछ अच्छा सोचकर लगाया होगा, लेकिन आप शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, विरोध करने की वजह क्या है? क्या वाकई में सेमेस्टर सिस्टम अच्छा नहीं है शिक्षा के लिए? देखिए, सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं धीमान साहब ने पहले ही बता दिया कि जैसा अधिकारी आया उसकी समझ में जिस प्रकार की बात आई उसने सुझाव नहीं लिए किसी से भी, ना किसी संगठन से सुझाव लिए, ना पब्लिक से सुझाव लिए, ना समाज से सुझाव लिए, एक पॉलिसी लागू कर दी कि जी अब की बार नेक्स्ट टाइम से सेमेस्टर सिस्टम लागू है। ओके, हमने इसका शुरू से विरोध किया, उसके कई कारण थे। कारण नंबर एक के शिक्षा का जो स्तर ग्रामीण स्तर है वो शहरी शिक्षा से मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। ओके, वहां कई प्रकार की समस्याएं हैं,
बच्चों ने खेतों में भी काम करना है, बच्चों ने माँ बाप के साथ भी हाथ बटाना है जी, और वहाँ की जो एडमिशन की परंपरा है वो फसल कटाई के बाद एडमिशन होगी जी, फसल कटाना ही को प्राथमिकता देते हैं वो, शिक्षा की में एडमिशन लेने को प्राथमिकता इतनी नहीं दी जाती। ओके। आज भी ये समस्या है कि सेमेस्टर सिस्टम इसलिए फेल है कि सेमेस्टर का जो रिजल्ट है मैट्रिक का या प्लस टू का वो जून में जाके आता है। ओके। और जुलाई या अगस्त तक एडमिशन चलते रहते हैं। ओके। और बुक्स भी हमने कई बार डिबेट इस बात पे चर्चा हुई है, पिछली बार 2012-13 में सितंबर तक बुक्स नहीं पहुंची थी, और सितंबर में पहले सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था। बिल्कुल। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि बच्चा बिना बुक्स के, चाहे वो किसी भी क्लास की बुक्स है, बिना बुक्स के जब अपीयर होगा तो अधिकारी कैसे पल्ला झाड़ते हैं कि जी पुरानी बुक्स है वो दे दो उससे काम चला लो, कि जब आपको आपके पास हर साल का बजट पहले ऑलरेडी प्रपोज्ड है और पास है वो, उसकी पहले आपने मतलब सेमेस्टर सिस्टम इसलिए कामयाब नहीं क्योंकि इससे दिन कम बच जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेढ़ महीना तो एक महीना तो कम से कम मार्किंग में लगता है। ओके। और मार्किंग में डेढ़ महीना सर टीचर स्कूल से बाहर है तो अगले सेमेस्टर की तैयारी कैसे होगी। ओके। ठीक है। और इसी हर एग्जाम के अंदर भी कम से कम 20-25 दिन एग्जाम में लगते हैं, फालतू लगते हैं। तो ये बातें हमने कई बार सरकार के सामने रखी, लेकिन उस समय के जो हमारे आला अधिकारी थे उन लोगों ने हमारी बात को नजरअंदाज किया। ओके। तो मैं इस बात का बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा जी, उन्होंने आते ही इस बात पे गौर किया। हमने भी ये बात रखी थी कि सेमेस्टर सिस्टम शिक्षा व्यवस्था के लिए, स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए तो हम खासकर तौर पे कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मतलब अगर ये सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो जाता है तो बर्डन बच्चों के साथ साथ अध्यापकों पर भी कम होगा। इसमें कई बातें हैं, एक तरफ तो सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, एक तरफ मंथली टेस्ट भी लागू है, एक तरफ सीसी का भी मतलब लागू है, और उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना है आपने। ओके। पहले टीचर पे काम क्या होता था, छमाही परीक्षा का रिकॉर्ड, नौवीं परीक्षा का रिकॉर्ड और सालाना का रिकॉर्ड, अब हर महीने का रिकॉर्ड बना के रखना है। ओके। उसमें से बाद में फिर परसेंटेज निकालनी है 50%, फिर वो पेपर एग्जाम में जुड़ेगा। मतलब टीचर को इतना बिजी कर दिया गया, डायरी भी लिखनी है, मिड डे मील भी बनाना है, सर्वे भी करना है, तो इतना काम देने के बावजूद हम कहां उम्मीद। चलिए करण सिंह जी आपके पास आ जाते हैं। करण सिंह जी, चलिए सेमेस्टर सिस्टम के बारे में हमने बात की और सरकार अभी विचार कर रही है कि अभी विचार करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसको खत्म करें या आगे रेगुलर चालू रखें, और जानना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा को हमने ऊपर लाना है, सुधार करना है, तो किस किस तरह के बदलाव अभी और सरकार को करने पड़ेंगे। जहां तक अच्छे स्तर की बात है, जो आप प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों का मुकाबला नहीं कर सकते जी। जी। हमारे सरकारी स्कूलों में तो केवल वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो कोई फीस नहीं दे सकते और जिनका घर में ब्योत नहीं और जिन्होंने स्कूल से बेनिफिट लेना है। जिस आदमी का थोड़ा सा भी ब्योत होता है 10-20 रुपए फीस देने का, वो सरकारी स्कूल से बच्चे को उठा करके प्राइवेट में ले जाता है, चाहे वहां पढ़ाई हो चाहे ना हो। एक लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, शायद प्राइवेट स्कूल में बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा स्टाफ है, सारी चीजें अच्छी हैं। तो जहां तक यह सेमेस्टर सिस्टम की बात है, यदि टाइमली मार्च में स्कूलों में किताबें आ जाएं और सिलेबस का डिवीजन करके टीचर अपने लेवल पर जो एग्जाम है, एक फाइनल एग्जाम जैसे मैंने पहले बताया, पेपर बोर्ड ऊपर से भेज दे 10वीं के और 12वीं के, टीचर अपने आप टेस्ट लेके मार्किंग कर ले, वो तो हो गया, और क्या मतलब और क्या। इसमें दूसरा ये है कि भाई इसकी एक जो मॉनिटरिंग है अच्छे सत्र के लिए, तो मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है, हर चीज की जरूरी है, टीचर्स को भी डेडिकेट होना पड़ेगा। जब तक हम अपने मन से ये नहीं सोचेंगे ना कि भाई हमने इस देश को ऊंचा उठाना है, हमने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, हमने दुनिया के कंपटीशन में अपने देहात के बच्चे भी और शहर के भी जो भी बच्चे हैं उनको बराबर लाना है। जब हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम चंडीगढ़ तक आगे गांव के पढ़े हुए, हमारे बड़े गजब की पढ़ाई होती थी, सारे टीचर डेडिकेटेड थे, हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी, और पूरी मेहनत कराते थे,
और स्कूल में बुला लेते थे दोपहर बाद भी और सुबह भी बुला लेते थे, छुट्टी होने के बाद भी एक एक घंटा एक्स्ट्रा लेते थे, कोई पैसा भी नहीं लेता था और बड़ी मेहनत कराते थे। तो अब जहां तक थोड़ी बहुत है ना, हमारी डेडिकेशन भी खत्म हो चुकी है। एक हमने टीचर्स ने अपने आप खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। हमने समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए इस सोसाइटी को। हम हाईली पेड हैं, नेक्स्ट टू ऑफिसर्स टीचर्स को तनखा मिलती है और हमारे से ज्यादा तनखा सिर्फ ऑफिसर्स को मिलती है और किसी को नहीं मिलती टीचर्स को। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि यार मान लो कि मैं 30,000 रुपए महीना लेता हूँ और रोज के मुझे 1,000 रुपए हो गए, मुझे 6 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं, एक पीरियड 160 रुपए का हो गया तकरीबन, तो एक पीरियड में 45 मिनट 40 मिनट का पीरियड है, तो ये देखो कि 4 रुपए की 1 मिनट पड़ गई। जब टीचर 5 मिनट क्लास में लेट जाता है तो 20 रुपए आराम के खा लिए। मैं ये कहता हूं यदि टीचर अपने मन में ये बात सोच के लग जाएगा तो ये स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर उठ जाएगा। स्टैंडर्ड दीवारों से ऊंचा नहीं उठेगा, बिल्डिंगों से प्लानिंग से नहीं ऊंचा उठेगा, देश के लोग इसको उठाएंगे क्योंकि नेशन लोगों से बनता है, दीवारों से बिल्डिंग से नहीं बनता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा करणदेव जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ मोरली, लेकिन व्यवस्था पे आप नजर डालिए। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि ये चाहे कि उसका रिजल्ट बढ़िया ना आए, लेकिन आप व्यवस्था देखिए कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं जी, पहले ऐसी शिक्षा होती थी, पहले रिजल्ट बढ़िया आते थे, पहले कितने महीने बाद डाक पहुंचानी पड़ती थी, आज आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज सेकंड में ऑनलाइन मेल आती है कि विद इन 5 मिनट्स आपने ये डाक देनी देनी है। और टीचर्स को यदि फालतू के कामों से मिड डे मील कितना बनता था पहले, मैं तो नहीं मानता कि मिड डे मील की रसोईयां सस्ती होंगी पहले स्कूलों में। आज सरकार का मुद्दा क्या है? सरकार का मुद्दा ज्यादातर ये हो गया कि किस प्रकार से लोगों को ये दिखा दें कि हम आपको ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, हमें वोट दीजिए, चाहे मिड डे मील के नाम पे, चाहे स्टाइपेंड के नाम पे, वोट बटोरने की राजनीति होती है। आज हमारा आधा समय तो स्टाइपेंड देने में गुजर जाता है। आपका ये कहने का मतलब है कि आपको समय कम मिलता है इसलिए समय सरकार देना ही नहीं चाहती। अच्छा, सरकार देना ही नहीं चाहती कि सारे सिस्टम ऑनलाइन होने चाहिए। आज स्टाइपेंड का ऐसा सिस्टम बना दिया, आज हमारे पास एक प्रोफॉर्मा आया हुआ है 35 कॉलम का, वो प्रोफॉर्मा है, हर बच्चे का डाटा ऑनलाइन फीड करना है और गांव में लाइट नहीं है, टीचर की ये ड्यूटी है, ये 31 तारीख तक बना के देना ही देना है, 31 दिसंबर तक ये ऑनलाइन हो जाना चाहिए, ऑनलाइन पैसे आएंगे। पहले पैसे कैसे आते थे? बीओ दफ्तर से पैसे मिले और बांट दिए। तो इस प्रकार का सिस्टम जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपने टीचर को पढ़ाने कहां दिया? आपने कभी उसको मिड डे मील पे लगा दिया, कभी उसको सर्वे पे लगा दिया, मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारे और काम। सर मेरी एक बात सुनिए, टीचर की एबिलिटी चेक करते हैं जब हम उससे चुनाव करवाते हैं, कहते टीचरों से बढ़िया ड्यूटी कोई नहीं देता इसलिए टीचरों की ड्यूटी लगाते हैं। टीचर ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं बढ़िया ड्यूटी दे सकता हूँ। जब उससे सर्वे करवाया जाता है तो पटवारी सर्वे नहीं करता या कोई आंगनबाड़ी का सर्वे नहीं करता, हेल्थ वाले का कोई सर्वे नहीं करता, कहते टीचर बढ़िया सर्वे करते हैं। और कोई भी ऐसा काम जो समाज से जुड़ा हुआ है वो काम जब तक नहीं छुड़वाए जाएंगे, केवल चुनाव का काम है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि चुनाव के ड्यूटी को छोड़ के, चुनाव वाले दिन जो चुनाव वोट डलवानी है उसको छोड़ के आप टीचर से कोई काम ना लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा देश का है, लेकिन हमारे अधिकारी डीसी हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो टीचर की ड्यूटी जरूर लगाते हैं। मतलब दूसरे काम अच्छे करते हैं और पढ़ाई अच्छी नहीं करवाते, ये आरोप लगते हैं। टीचर करवानी नहीं देते पढ़ाई, असल में टीचर पढ़ाने के सिवाय सारे काम करे हैं। अच्छा, वो कोई टीचर पढ़ाता नहीं है तो वो टीचर है, लेकिन वो पढ़ाने के सिवाय और सारे काम करे सरकार के, सिर्फ पढ़ाता नहीं। चलिए भूषण जी, आपके पास आता हूँ। बच्चा चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, बच्चे को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर अच्छा वो पढ़ेगा। मैं आप एक इस हिसाब से जानना चाहता हूं, क्या सरकारी स्कूलों में सिर्फ टाइम कम मिलने की वजह से टीचर पढ़ाई नहीं करवा पाते? हालांकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं बहुत कम सैलरी मिलती है, फिर भी वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, या कोई और वजह भी है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्राइवेट जो स्कूल के हैं। करण सिंह जी ने जो बात कही मैं उससे थोड़ा डिफरेंट व्यूज रखता हूँ। ये कहते हैं जो गरीब का बच्चा है वो गवर्नमेंट स्कूल में आता है,
बच्चा बच्चा होता है वो गरीब और अमीर नहीं। हाँ, वही मैंने बात कही। बच्चा जब आता है, देखो अर्जुन को जो है सिखाने वाले द्रोणाचार्य थे, लेकिन एकलव्य गरीब था, वो उससे आगे निकल गया था। बच्चा गरीब और अमीर नहीं होता, इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ मैं सहमत हूँ कि टीचर से जो एक्स्ट्रा काम है, मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा वालों को शिक्षा देने दो, बाकी कामों में मत लगाओ। ओके। और जहां सरकारी इंटरफेरेंस की बात है, करण सिंह जी ने कहा कि जितने इंटरफेरेंस करोगे उतना उनपे काम बढ़ेगा। अगर उनपे डीसी जाएगा, डीओ जाएगा, पहले उनके पास टाइम नहीं, उनका और टाइम कम होगा। तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गरीब का बच्चा उनके पास आता है। अगर हमारे पे आप देखें तो आज सरकारी स्कूलों के टीचर सारे हाईली पेड है। अगर वो रिजल्ट्स नहीं देते, मैं कहता हूँ एक टीचर का भी तो इम्तिहान है। अगर वो बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बाद 50 बच्चे, अगर वो 25 को पास नहीं करा पाता, इसका मतलब वो 50% पे खड़ा है। बच्चे उनके पास फर्स्ट क्लास के से बच्चे जा रहे हैं और वो आगे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर टीचर भी कसूरवार है। लेकिन उसको टाइम देना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे नहीं लगाना चाहिए, उनको शिक्षा पर केंद्रित करें, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। ओके। बच्चों को दोष देना कि ये गरीब बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, दोष नहीं दे रहे। घर के हालात का दोष है, एक घर में गरीबी है, वो बच्चा नरेंद्र मोदी जी गरीब घर से थे, अब्दुल कलाम गरीब घर से थे, लाल बहादुर शास्त्री घर से थे, बहुत बड़े बड़े लोग इब्राहिम लिंकन इब्राहिम लिंकन के कौन से हालात थे, अब्दुल कलाम के कौन से हालात थे, नरेंद्र मोदी के कौन से हालात थे, मनमोहन सिंह जी के कौन से हालात थे, ऐसे आपको लाखों करोड़ों की लिस्ट मिलेगी जिनके पास हालात नहीं थे। हमने बहुत से बच्चे देखे हैं गांव में, देहात में बच्चे घर में काम करना पड़ता है। मैं कहता हूँ वही बच्चा पढ़ता है, गांव के बच्चे बहुत ऊंची पोस्ट पर भी पहुंचे हैं, हमारे हमारे एम्बर में बच्चे को गाइड करने वाला नहीं कोई। आज की पढ़ाई ऐसी हो गई पहले के टाइम से कि घर में यदि ये प्राइवेट स्कूल क्या गाइड सिर्फ माँ बाप करेगा, अध्यापक नहीं कर सकता। अध्यापक भी करता है लेकिन उसको घर में फीडबैक देने की जरूरत पड़ती है, उसको उसको सारी चीज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अध्यापकों को। माँ बाप जा रहे हैं उनको जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल सहमति। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी उठानी ही पड़ेगी, कहीं पर तो होना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे को दोष लगाकर और ये कहना मैं सेमेस्टर को बिल्कुल मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन क्या उससे पहले रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे? आप जाइए ना पीछे, कहां तक रिजल्ट्स, कहीं पर तो जिम्मेदारी ये भी लेनी पड़ेगी कि हमारे अंदर भी कहीं कमी है। अगर हम शिक्षक बन के आए हैं तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार है कि हमारे पास जो बच्चे आए उनके रिजल्ट्स हम शो करें कि हमने क्या दिया उनको। और अगर सरकार के, मैं इनके कुलभूषण जी को भी कहता हूं, मैं मिड डे मील सारी चीजें जो उनके इंटरफेरेंस है, इनको आंदोलन करने चाहिए कि चीजें टीचर्स पे नहीं होनी चाहिए। भाई हमें पढ़ाने दो, हमें देश के नागरिकों को बढ़ाना, हमें पढ़ाने दो, हम जिम्मेदारी से पढ़ाएंगे और आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। मिड डे मील को कहना चाहिए, तो मैंने पहले भी बोला था, इतने होटल मैनेजमेंट के स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, भाई अलग से मिड डे मील के लिए अलग से होटल मैनेजमेंट का मैनेजर और उनकी किचन अलग से, उस डिपार्टमेंट अलग से उनको अपॉइंट करो, सारा खाना उनका देने का और टीचर उससे पिंड छूट जाए। दूसरा होना नहीं कि अगर देना ही है उनको कैश दे दीजिए, उनके पेरेंट्स उनको अच्छा हाइजेनिक खाना जो है, माता से ज्यादा हाइजेनिक खाना कोई नहीं दे सकता, आप उनको कैश दे दीजिए। वहां पर जो है स्कूल के अंदर तोलने का टाइम भी बचेगा और इंक्वायरी से भी बचेंगे, मिड डे मील बनाने से भी बचेंगे और उनकी माता उनको हाइजेनिक खाना बनाकर दे सकती है। इस चक्कर में ना पड़ के स्कूलों को शिक्षा तक ही केंद्रित रखना चाहिए। चलिए धीमान साहब आपके पास आते हैं। धीमान साहब, हमेशा जो शिक्षा एक विभाग है ऐसा है कि इस पर जोर देना भी चाहिए और सरकार को सोचना भी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में आखिरकार हाल क्या है। धीमान साहब, अगर टाइम कम मिलता है एक टीचर को, समय कम मिलता है, दिन कम मिलते हैं, तो सरकार क्या यह भी सोच सकती है कि उसका सिलेबस कम कर दिया जाए, कम से कम जितने दिन हो उतना अच्छा सा सिलेबस पढ़ा सके ताकि कम से कम उतना रिजल्ट तो अच्छा सके? नहीं, सिलेबस तो हमें, क्योंकि नेशनल परस्पेक्टिव में चलना है, हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे कंपटीशन में जाना है, सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो कम नहीं कर सकते हैं। जो इनके दिन काटे हैं पढ़ाई के सेमिस्टर लागू करके, वो दिन बढ़ाए जाने चाहिए। ओके, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने पहले बताया था, एक अफसर जो आए उन्होंने सेमिस्टर सिस्टम लागू कर दिया और एजुसेट लागू कर दिया, उनके स्थान पर जब दूसरे अफसर आए शिक्षा विभाग के, उन्होंने दो काम किए। उन्होंने कहा कि टीचर्स जो हम रखेंगे उसके लिए हम स्टेट लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया और शिक्षा विभाग की बजाय जो हमारा शिक्षा बोर्ड है जो बच्चों की परीक्षा लेता है, वही उन टीचर्स की परीक्षा लेगा और उसके काबिल बनाएगा। जब वो टेस्ट पास करेगा उसके बाद ही जो नई भर्ती होगी वो योग्यता रखने वाले ही टीचर भर्ती होंगे। ओके, ये उनकी देन थी।
हालांकि बाद में 2009 में जब राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तो उन्होंने पहली से आठवीं तक के स्कूल के टीचर रखने के लिए जो पीआरटी टीचर है उनके लिए वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा, लेकिन हरियाणा में लेक्चरर का टेस्ट अभी भी जारी है, दूसरा तो जारी है ही। एक तो ये काम किया, दूसरा काम उन्होंने किया कि हरियाणा में क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी जैसे मैंने बताई टीचर्स की वैकेंसी हमेशा रहती है, हमारे पैनलिस्ट बहुत सारी बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं बार बार जिसकी तरफ ध्यान दिला रहा हूँ जिससे मैं पीड़ित हूँ, मैं खुद गुजरा हूँ, मैं भी किसी गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ बिल्कुल, और जो मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल था जो हाई स्कूल था सीनियर सेकेंडरी नहीं था उन दिनों वो 12 गाँव का फीड करता था, 12 गाँव के बच्चे जाते थे, ना तो मुझे छठी से दसवीं तक मुझे कभी पूरे टीचर नहीं मिले, मेरे पास एक मैथ का टीचर मुझे मिला, सिर्फ इंग्लिश का टीचर मुझे छठी से लेके आठवीं तक मिला, नौवीं दसवीं टीचर नहीं मिला, मुझे साइंस का टीचर नहीं मिला, मुझे हिंदी का टीचर नहीं मिला, मुझे एक ड्राइंग का टीचर मिला, मेरे पास दसवीं में सिर्फ दो टीचर थे, एक मैथ के टीचर एक ड्राइंग के टीचर। क्या मेरी क्लास की, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल अपना इसलिए दे रहा हूँ, बहुत जरूरी हो गया एग्जाम्पल देना कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गाँव के स्कूलों में भी बच्चे गरीबों को नहीं पढ़े जाते, उस गांव के सारे चाहे वो अमीर है चाहे जमींदार का बच्चा चाहे कहीं का वो किसान का बच्चा है चाहे वो बिल्कुल अनुसूचित जाति का बच्चा चाहे पिछड़ी श्रेणी का बच्चा, वो उस गांव के नियरेस्ट गांव के स्कूल में जाता है, लड़कियां भी जाती हैं, कोशिश ये की जाती है जो शहरों के आसपास लोग हैं या बहुत बड़ा धनवान कोई आदमी गाँव का है वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो 40 बच्चों में से हमारे में से 30 फेल हुए थे, 10 पास हुए थे, 25% रिजल्ट आता है, तब की बात में कर रहा हूं। सवाल यह है कि जब टीचर पूरे नहीं होंगे, पांच सब्जेक्ट बच्चों को देने हैं, दो के टीचर नहीं है, उन दो सब्जेक्ट के तो बच्चा फेल होगा तो रिजल्ट तो अपना भी नीचे आएगा, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा जो बात आपके पास आ रहा हूं, जो अभी टीचर सिलेक्शन बोर्ड जो उस अफसर के टाइम में बना था, इस सरकार ने आते सबसे पहले वो बोर्ड खत्म किया कि टीचर भर्ती बोर्ड नहीं होना चाहिए। अब सेमेस्टर सिस्टम को भी वापस लेने का फैसला हो या ना हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि सारी फीडबैक जो नए अफसर आए हैं जो इस बार टीसी गुप्ता वो 4 या 5 जिलों में गए हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक लिया बहुत, जैसे टीचर के जो हमारे संगठनों के टीचर हैं पदाधिकारी हैं उनसे या बीओ या डीओ जो भी हैं कि यार सिस्टम क्या है ये सेमेस्टर सिस्टम को, तो सभी ने कहा ये सेमेस्टर सिस्टम से बहुत काम खराब हो रहा है। जब आप इतने करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं दो बार उनका आकलन करेंगे पेपर लेंगे तो समय खराब हो गई, इसलिए इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप जो टीचरों की कमी है करीब 30,000 टीचरों की अभी भी कमी है, जब टीचर ही नहीं होंगे तो रिजल्ट कैसे आ पाएगा? आप ये देखिए, मैं जैसे धीमान साहब ने अपने एक जगह एग्जांपल दी है, मैं इस समय जिस स्कूल में हूँ मेरे पास 14 लेक्चरर की पोस्ट है, सेंक्शन है और काम कर रहे हैं 3। ओके। लेक्चरर एक संस्कृत का, एक मैं खुद हूँ पॉलिटिकल साइंस का। आप बताइए। लेकिन इवन देन मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन देन मेरे स्कूल का रिजल्ट 78% है। नहीं मतलब जो बाकी सब्जेक्ट क्या वो बच्चे रखे ना या मजबूरी में आपको पढ़ाना पड़ता है, साइंस स्ट्रीम भी है वहाँ लेकिन साइंस का लेक्चरर नहीं है, कॉमर्स भी है कॉमर्स का लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स भी है इकोनॉमिक्स का लेक्चरर नहीं है, मतलब 14 पोस्टें हैं। शर्मा जी, आपका स्कूल कोई गांव का स्कूल है? गांव का स्कूल है बिल्कुल, ये है स्थिति, गांव का स्कूल है और नदी के किनारे स्कूल है। ओके। और आप यदि स्कूल को देखेंगे कहूंगा, मैं गारंटी देता हूँ कि मॉडर्न स्कूल से को हम फेल करते हैं। कैसे मतलब कैसे करते हैं ताकि दूसरे स्कूलों को भी पता चले जहां अध्यापक नहीं है? कम से कम वो ऐड करता हुआ कंटिन्यू करेंगे, मैं ऐड करता हुआ, अगर कुलभूषण जी के स्कूल में सभी टीचर्स हों वहां का रिजल्ट में दावे के साथ कह सकते 95% तो ये एक मिसाल हो सकती है। ये मिसाल हो सकती है। कुलभूषण जी आप कैसे मतलब करते कि जो सरकार की पॉलिसी थी कि पहली से आठवीं के जो बच्चे हैं आरटी के तहत किसी बच्चे को फेल नहीं करना, पहले था पांचवी में भी बोर्ड का एग्जाम होता था आठवीं में भी होता था जी, तो वहां थोड़ा सा फिल्टर लग जाता था, फिल्टर लग जाता था, छठी में निकल जाते थे। आप रिजल्ट उठा के देखिए मैट्रिक का, मैट्रिक का रिजल्ट किसी जमाने में जो 2007 में जब सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ उस समय 80-85% था। ओके। और अब जाके वो 55 में रखकर 60 में रह गया, मतलब वो इसी वजह से, क्योंकि वो हमने मतलब हम
कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट स्कूलों के साथ। हाँ। प्राइवेट स्कूल में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई कानून वहां पे लागू नहीं होता। हाँ। वो अपनी मर्जी से आठवीं के बच्चे को दसवीं का सिलेबस पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौवीं के बच्चे को दसवीं का सिलेबस पढ़ाते हैं, टीचर की कमी नहीं होती, तो ग्यारहवीं का सिलेबस पढ़ाते हैं। जितनी काबिलियत है, इतनी काबिलियत पैदा कर देते हैं क्योंकि उनके हाथ में है, रूल एंड रेगुलेशन उनके अपने हैं, अपने बनाए हुए हैं। अच्छा, आप कैसे रिजल्ट देते हैं? मतलब जब वहां पर टीचर नहीं है दूसरे सब्जेक्ट के, तो क्या बच्चे वो सब्जेक्ट नहीं लेते या फिर उनको पढ़ाई कैसे करवाते हैं? यदि टीचर नहीं है तो जो हमारे क्वालिफाइड टीचर है, कोई एमए है, एमए हमारे एक थोड़ा सा सुधारीकरण में टीचर जो सब्जेक्ट आप कह रहे हैं सब्जेक्ट नहीं लेते, सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। अच्छा, वो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, वो सब्जेक्ट ऑप्शनल है, वो सब्जेक्ट ऑप्शनल कुछ कंपलसरी है, उसमें कंडीशन अगर उसमें ऐसा होता है जी, पढ़ा रहे बी ए तक, बी ए तक जो सब्जेक्ट किसी के पास होता है तो आप वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते। ऑप्शनल तो ही ना, जब आपके पास 11 से 3 है तो कौन से सब्जेक्ट लेंगे? तो सब्जेक्ट लेंगे कैसे? कंपलसरी है। हां, वो कंपलसरी है, हिंदी तो जरूरी है, जरूरी है, तो आपको अंदर लेक्चर नहीं है अगर टीचर है या नहीं है। तो क्या मैं वही कह रहा हूं, जब जब आप लेकिन करण सिंह जी, वहां के बच्चों को अगर वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मान लीजिए साइकोलॉजी है, लेकिन अगर लेक्चरर नहीं है तो वो बेचारा बच्चा तो रहेगा ना उस सब्जेक्ट में। वो ऐसा है जी, हम उस स्कूल में नहीं दे सकते साइकोलॉजी एक बच्चे को, कोई भी स्कूल में कम से कम उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 20 बच्चे होने चाहिए। हाँ। तभी नया टीचर मिलेगा। मान लीजिए 20 बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन लेक्चरर नहीं है, नहीं है तो उसमें तो उस टीचर को हम ढूंढते हैं जिसके पास बीए तक वो सब्जेक्ट उसने पढ़ा हो। मान लो हमारे स्कूल में 5 टीचर और हैं और लेक्चरर भी हैं, तो उन्हीं में से हम जैसे अपने शर्मा जी बता रहे हैं काम उस तरह हम काम चलाते हैं, हम डेडिकेशन से काम करते हैं पूरा और कोशिश करते हैं हम बच्चे को कुछ ना कुछ दे, अच्छा पूरा देते हैं। और नहीं तो जो हमारा टीचर जिसके पास वो बीए में सब्जेक्ट है, उसने मास्टर्स की नहीं की, तो 12वीं में जिसके बीए तक वो सब्जेक्ट है तो वो उन बच्चों को पढ़ाता है, ताकि बच्चे को तो कुछ मिले, बच्चे को नुकसान ना हो। सरकार ने तो पोस्ट नहीं दी भरी वहां पर, लेकिन हम बच्चे का नुकसान नहीं होने देते, ये पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन लेकिन इससे फिर यदि हमें सरकार ये कहे कि भाई तुम प्राइवेट बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं है, पर जिस तरह प्राइवेट में कोई वैकेंसी नहीं खाली होती, हाँ। गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में ऐसा कर दो, सरकार के किसी स्कूल में कोई वैकेंसी खाली नहीं, उनके एट पार आ जाएंगे। नहीं, मतलब सबसे पहले इसी बारे में सोचने की जरूरत है। यस, सबसे पहले और टाइम पर अर्जो किताबें फ्री देती है, या तो सरकार उनके घरों में एडवांस पैसे पहुंचा दे, फिर बाजार बाजार से खरीद लेंगे। हाँ। उनको एडवांस पैसे दे दे सरकार, ठीक है। और नहीं तो मार्च में किताबें आ जानी चाहिए, वे बाद में नहीं किताबें आनी चाहिए, वे आधा साल जा लिया सितंबर तक, सेमेस्टर सिस्टम का फेल होने का यह भी एक कारण है। एक शर्मा जी ने भी बताया कि सितंबर तक तो किताबें नहीं मिल रही। टीचर पे तो कार्रवाई, बड़े आक्षेप लग रहे हैं। हाँ। जिस एजेंसी ने किताबें नहीं दी, हाँ। और जिस अधिकारी ने उस एजेंसी का ऑर्डर दिया, हाँ। उस पे कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मतलब टीचर्स के कितने भी कोई भी केस किसी का रोक रखा, 3-3 साल से एसीपी के अधिकारी में कोई कार्रवाई नहीं, किसी कर्मचारी में कोई कार्रवाई नहीं, तो हम ये तो कहेंगे कि टीचर को यदि आपने सेटिस्फाई करके रखना है तभी वो सारा काम। अच्छा नहीं, इसमें एक और मैं बताता हूँ बात, जो काम जिला सत्र पर होने वाले हैं वो करप्शन फैलाने के लिए हेडक्वार्टर डीपीआई ऑफिस पर क्यों होते हैं? वो एसीपी सभी टीचर्स की डीओ क्लियर कर सकता है, तो डीपीआई ऑफिस में क्या जरूरत है उनकी? अच्छा, दिमाग साहब आपके पास आता हूँ। दिमाग साहब, जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि गीता का भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, इससे पहले ये अच्छा नहीं कि जो पहले सिस्टम है उसको सुधारा जाए? इसके लिए तो और टीचर भर्ती करने पड़ेंगे और सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, ये मैंने पहले कहा कि हरियाणा में शिक्षा को प्रयोग बना के रख दिया है, जो भी आता अपनी मनमर्जी से उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है, भट्ठा बैठ गया। बिल्कुल। इस 2005 में जैसी सरकारी थे गेस्ट टीचर रखे थे, वो आज भी एक उनके लिए नासूर बन गया है, ना गेस्ट टीचर को पक्का कर रहे हैं, ना गेस्ट टीचर को 10-10 साल उनको काम करते हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं जैसे बता रहा था बातचीत करते करते कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेता है, पहले 8वीं भी लिखता था जी।
इसी के पास हरियाणा के टीचर योग्यता की जो टेस्ट है वो भी वही लेता है। अभी टीचर भर्ती करने के लिए उसने जो टेस्ट लिया उसमें पैरों के अंगूठे के निशान पाए गए हाथ की जगह। बिल्कुल, ये कैसा हमारा शिक्षा बोर्ड है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा बोर्ड की उसको भी राजनीति बना दिया है। हमारा मतलब विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही क्वेश्चन मार्क के घेरे में है। हालांकि टीचर सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने दिया है। बिल्कुल, और वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात में कर रहा हूँ, उसका टेस्ट लिया था जिसका परसेंट रिजल्ट जो है वो 2, 3 और 350 ऊपर कभी गया नहीं आज तक। इतने बच्चे पास होते हैं उसमें। बिल्कुल, टीचर के उनके गुंठे भी कोई और पाएंगे। बिल्कुल, तो हमारा टोटल सिस्टम इस वक्त कलैप्स है हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो बोर्ड का है चाहे उसका सरकारी। टीचर हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके बगैर टीचर नहीं रख सकते। वो टीचर हैं, पर जब इतने टीचर्स की कमी होगी, सेमेस्टर सिस्टम लागू करके बच्चों की पढ़ाई का समय कम कर दिया जाएगा। जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, जो बीए जो पास जिसने कर किया है उस टीचर को आप इंग्लिश का लेक्चरारशिप का काम करवाएंगे या दूसरा जो उसने काम करना था उसकी वजह कोई और दूसरा काम करेंगे, तो कैसे बच्चे पास, कैसे शिक्षा का स्तर। बिल्कुल, और गीता का अगर सिलेबस कराना है तो ऐसे पिछले साल पिछली सरकार में पंजाबी के लिए एक अलग से टीचर करने थे, 1000 अंग्रेजी के टीचर करने थे, प्राइमरी स्कूल में करने थे, उर्दू के करने थे, मतलब ये सब प्रयोग हो के रहे। बिल्कुल, तो प्रयोग नहीं बनाना चाहिए, कम से कम सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम खाली दावे करें कि हमने प्रदेश को शिक्षा का हब बना दिया, यहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। और गीता लागू करने से पहले और सरकार को जो पिछला जो ढर्रा है कम से कम उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं बिल्कुल गीता पूरी लागू ना करो, उसका एक आधा चैप्टर वैसे यहां बहुत जरूरी है। कम से कम जो पहले सिस्टम चल रहा है उसको सुधारा जाए, फिर आप सोचें कि नया हमने क्या कुछ करना है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे वन तहलका हरियाणा के साथ।